Good morning, everybody. Power of visualization. ये टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको नाम दिया है miraculous power of visualization. एक ऐसा चमत्कार जो आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है या फिर संबंध है, रिलेशनशिप, जॉब, कैरियर, स्पोर्ट्स या स्पिरिचुअल गोल्स, हर एरिया में अगर आप अपने साथ कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखना चाहते हैं, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये सुपर पावर्स हैं. और उस सुपर पावर है हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड 10%, सबकॉन्शियस माइंड इज 90%. हम अपनी जिंदगी में उस अर्ध चेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को, जेनी विद इन या इनफाइनाइट पोटेंशियल को, बताएगा आप में से कोई कितना परसेंटेज हम यूज करते हैं इसको जिंदगी में? एनीबडी प्लीज, लेस देन 1%. अगर लेस देन 1% होता तो आप यहां बैठे ही नहीं होते. अगर 12, हाँ, 25%, दैट इज अमेजिंग. पूरी जिंदगी में एन एवरेज पर्सन यूटिलाइजेस मैक्सिमम 3% ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड. दुनिया में अगर कोई आज तक सुपर माइंड, जिसको हम कहते हैं, पैदा हुआ है, तो वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन. और उसने उस मन के, अंतरचेतन मन के 10% को यूज किया था, ओनली 10%. भाई साहब ने 12 अगर कहा है, अगर कोई 12 वहां पहुंच जाए ना, तो पूरी दुनिया से वो अवार्ड ले सकता है, फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. लेकिन उस मन की तरफ, जिसको हम कहते हैं जेनी विदिन, अलादीन का चिराग है, वो कहता है कि हे मेरे आका, तुम्हारी हर इच्छा मेरा आदेश है. वो आपका हर काम पूरा करता है. वो एट ए टाइम 30,000 इवेंट्स को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है. हमारा बाहरी मन, अगर समझो मैं गाड़ी चला रहा हूं, राइट, गाड़ी चलाते चलाते मैं कुछ खा भी सकता हूं, बात कर सकते हैं, कमेंट्री खेल सकते हैं, है ना. लेकिन अगर देखा जाए, जब हम कुछ खाते हैं या गीत गुनगुनाते हैं, तब पहले हम अपने आई साइट को फिक्स करते हैं कि सामने एवरीथिंग इज फाइन, फिर हम अपना काम, जो दूसरे दो काम करते हैं, वो हम कर सकते हैं. लेकिन जो अंतर मन है, वो 30,000 गुना ज्यादा काम करता है, जिसको हम कहते हैं द पावर ऑफ विजुलाइजेशन. देखिए, यहां पर सारा का सारा जो सेशन है ना, इन दो जो मैंने लिखे हैं कोटेशन, इस पर ही पूरा ये हमारा चलेगा. और आपको बार बार अपने अंतर मन को ये जताना होगा कि सबसे पहले कि हम सभी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी, गॉड इज एनर्जी, सोल इज एनर्जी, एवरी थिंग जो हमारी आंखों के आगे अपीयर होती है, वो भी एनर्जी का ही रूप है. हम जिस प्रकार की, देखिए यहां लिखा है, एनर्जी ऑफ ए सर्टेन क्वालिटी एंड वाइब्रेशन टेंड्स टू अट्रैक्ट एनर्जी ऑफ द सेम क्वालिटी एंड वाइब्रेशन. आपकी जिंदगी में जो भी कुछ आता है, आया है, आ रहा है, उसके निर्माता आप ही हैं. नथिंग कैन कम बाय चांस. कहीं ना कहीं कुछ हमने उस फील्ड में
जो दिया है, जैसा दिया है, जितना दिया है उतना ही, उसी रूप में, उतने ही प्रमाण में हमारे पास लौट कर आता है। दूसरी बात लिखी है यहां पर, द क्लोज यू रेजोनेट विथ व्हाट यू वांट एंड द होल यूनिवर्स बिगिंस टू शिफ्ट इन योर फेवर। हम जो भी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, जितना करीब, जितनी नजदीकी हमारी उसके तरफ रहती है, हमारा वाइब्रेशन, हमारा स्पंदन, हमारा रेजोनेशन उतना ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है और वो हमारी जिंदगी की तस्वीर बनती है। आज सारे सेशन में हम यही देखेंगे कि हम क्या चाहते हैं। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर। कॉन्शियस माइंड का काम है कमांड देना और सबकॉन्शियस माइंड का काम है उसको आपकी जिंदगी में लाना। जैसे आपने ओला फिक्स की, उबेर फिक्स की, आप पीछे जाके बैठे बड़े आराम से, है ना, आपने कमांड दिया कि मुझे यहां जाना है। अब जो ड्राइवर है उसके हाथ में सब कुछ है, क्लच है, गियर है, ब्रेक्स है और जीपीएस सिस्टम भी है। आपने सिर्फ बता दिया मुझे कहां जाना है, कैसे जाना है, आपको उसको बता रहे हो कैसे चलो, लेफ्ट लो, राइट लो, राइट लो, सीधा लो, जरूरत है क्या बताने की? कुछ नहीं, आपने उसको बता दिया कि मुझे यहां जाना है, दैट्स ऑल। बस उसके बाद आराम से निश्चिंत से बैठे रहो, सब कमांड वो मतलब डिसाइड करता है सारा ये, राइट। उसी तरह सबसे पहले पहले अगर हम जो भी पाना चाहते हैं, कोई भी टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, यू बी वेरी स्पेसिफिक, क्लियर कट। जब आप अपने विचार को नोटबुक में लिखते हैं इस तरह से, आई इंटेंड एंड लव टू प्ले इन द नेक्स्ट 5 years इन द नेशनल आर इंटरनेशनल गेम्स, बी वेरी स्पेसिफिक। उस गोल के कई सारे गोल्स हो सकते हैं। जितने भी चैंपियंस हुए हैं ना, जिन्होंने भी चमत्कार किए हैं स्पोर्ट्स के फील्ड में, सिर्फ दो बातों को आप अगर ले जाओगे यहां से आज ना, यू कैन रियली क्रिएट द मिरेकल्स इन योर लाइफ, यू कैन अचीव द गोल्स विथ एफर्टलेस ईज। जहां भी मेहनत होती है, मशक्कत होती है, हम फोर्स कर रहे हैं किसी को पाने के लिए, आपके हाथ में हाउ इज नॉट योर डोमेन। यू कैन सिंपली इंटेंड, मुझे ये चाहिए, मुझे यहां पहुंचना है, लेकिन डिसीजन किसका होता है? फाइनल यूनिवर्स का होता है। आप सिर्फ कमांड देकर उसके बाद आगे के हम देखेंगे तो बिकम चैंपियंस ऑफ क्रिएशन, रॉक योर वर्ल्ड। आप अपने जिंदगी के हर फील्ड को गुले गुलजार कर सकते हैं, हर फील्ड में वो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास भगवान ने वो पावर्स दिए हैं, वो शक्तियां दी है, और सबसे बड़ी जो पावर है यूनिवर्स, भगवान आपके फेवर में सदा ही काम करता है। दिन में 10 बार भी अगर बुलाकर उसका आह्वान करोगे, उसको बुलाओगे कि मुझे इस बात के लिए मदद चाहिए। मेरे पास जब स्पोर्ट्स प्लेयर था, कोई भी, हमें काउंसलर, हेल्थ कंसल्टेंट, पूरी दुनिया से लोग मेरे पास आते हैं, फोन पे ही बातें होती हैं, और मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं ना, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने मेंटल स्टेट को, अपनी मानसिक स्थिरता को बढ़ाओ। समस्याएं तब तक आपके सामने समाधान के रूप में होगी जब तक कि आपका फोकस उन प्रॉब्लम्स की तरफ होगा। द मोमेंट यू चेंज योर फोकस टू द सॉल्यूशंस, इट स्टार्ट्स अपीयरिंग। जैसे आप फोकस को चेंज करते हैं, एनर्जी चेंज होती है, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग व्हाट यू आर एम फॉर। तो आपको क्या लिखना है? आई इंटेंड एंड लव टू बिकम --. आगे लिख दो, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न, थैंक्स गॉड। एनी गोल ऑफ द लाइफ, एनी एरिया लिखना होता है, लिखना होता है। फैक्ट्री में कोई भी परेशानी आती है तो मैं सबसे पहले, आज भी यहां मैं यहां आया हूं, जब मैं वहां से निकला फैक्ट्री से, तो वहां मैंने लिखा है, आई इंटेंड एंड लव टू मेक दिस माई ट्रिप फॉर द स्पोर्ट्स थिंग मोस्ट सक्सेसफुल फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न।
और मैं देख रहा हूं कि यहां जब से आया हूं मैं अभी तक यहां आने के एक मिनट पहले भी काउंसलिंग करके आया हूं, सुबह से चालू हुआ है मेरा कारोबार। तो देखिए ये जो दो वर्ड्स है ना, हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी कोई विचार मन में आता है ना, या आप कुछ भी बोल रहे हैं, मैं खेलना चाहता हूं, मैं इसमें एक्सपर्टाइज करना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, डोंट से, सी इट, डोंट से, सी इट, डोंट थिंक, फील इट। बोलो सभी मेरे साथ में, डोंट से, एवरीबडी कम ऑन एवरीबडी, सी इट, डोंट थिंक, फील इट। अभी आपने कहा है, आपको अभी करना भी है मेरे साथ में। डॉक्टर प्रेम मसन मेरा काम और आसान कर दिया, आपको काफी एनर्जाइज्ड एक्टिव रखा है, लेकिन मैं उसके भी आगे आपको ले जाऊंगा। आपने एक्शन तो किया है, लेकिन वो फीलिंग्स, उस वो विजन मैं आपको कराऊंगा लास्ट में। रेडी? सिर्फ अपने ध्यान को ऊपर उठाओ, उठाओ ऊपर, है ना? यस, वेरी गुड। सी, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स में फेलिप सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ले चुका, 28 गोल्ड मेडल्स ही हैज टेकन। ये कौन है? माइकल जॉर्डन, फुटबॉल प्लेयर, ओ सॉरी सॉरी, बास्केटबॉल प्लेयर। इन्होंने अपनी जिंदगी में 900 गोल मिस किए, कितने? 900। इसके सफलता का एक ही राज उसने अपने मन में ये स्वीकार कर लिया था कि मेरी हर हार, मेरी हर असफलता को तो मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन मैं अगली बार उसको पाने की कोशिश को छोड़ नहीं सकता। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, दैट्स द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जैसे कल से हम बातें सुन रही हैं कि स्प्रिट के स्पोर्ट्स के स्प्रिट से हमको खेलना चाहिए, ये एक बहुत ही मोस्ट गोल्ड मेडल्स जीती हुई हटीनिया है, इन्होंने 9 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। उसके बाद में देखिए, ये जितने भी ऐसे हम ब्रह्मकुमारी में बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, जैसे पीवी सिंधु, वहाँ से हमारे हैदराबाद में जो ब्रह्मकुमारी का सेंटर है वहाँ पे हो गई, उसने मेडिटेशन किया, वहाँ से उसको बहनों ने बाबा के कमरे में ले जाकर विजन दिखाया कि आप जहाँ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो अभी जो एशियन गेम्स चल रहे हैं वहाँ पे वेफ्ट लिफ्ट में हमारा ब्रह्म कुमार वहाँ गए खेलने के लिए, उसको यहाँ के सेंटर ने, हांगकांग के सेंटर ने उसका विजन दिखाया कि आप यहाँ से गोल्ड मेडल्स लेके जा रहे हैं, और उसने 4 मेडल जीते हैं। राइट जगबीर भाई, सही है कि नहीं? जगबीर भाई के साथ मैं करीबन, हम करीबन 6-7 साल पहले, कल उन्होंने पिक्चर भी दिखाई है, 16 माउंटेनियर्स ने हमको अप्रोच किया कि हमको राजयोग मेडिटेशन सिखाओ। जगबीर भाई के साथ मुझे मौका मिला वहां जाने का, तवांग अरुणाचल प्रदेश में, 10,000 फुट के ऊपर ये जगह है जहां हम 1 फरवरी को पहुंचे थे। काफी ठंड, करकर -4 डिग्री में हम रहे थे वहां पर। जगबीर भाई तो बहुत मैराथन में एक्सपर्ट है, हर साल मैराथन में जाते हैं और पूरा करते हैं टाइम पे, और काफी अच्छा टाइम, 2 आवर्स 15 मिनट्स ना, 2 आवर्स में। सभी जोर से तालियां बजाएं। हर साल जुनून से, पैशन से, ही गोज टू अटेंड मैराथन्स वेयर एवर ही फाइंड्स कन्वीनियंट। 2 घंटे तक इनका रिकॉर्ड है अभी। तो 1.5 आवर, सॉरी, इट इज हाफ मैराथन, द टाइम इज 2 आवर्स, सॉरी। तो है ना, जगबीर भाई तो उनके साथ सुबह को रोज बर्फ के बीच में दौड़ने तक जाते थे वो। फिर जब लौट कर आते थे उनको कुछ प्राणायाम कराते थे, पूरे दिन लेक्चर चलते थे मेडिटेशन के, वो मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कैसे राजयोग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योग है। वैसे मेडिटेशन के, ध्यान के 103 प्रकार के ध्यान सिखाए जाते हैं वर्ल्ड वाइज,
उसमें सबसे ज्यादा जो प्रचलित है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, आचार्य रजनीश के सात प्रकार के मेडिटेशन होते, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल है उनका डायनेमिक मेडिटेशन विपश्यना, महर्षि योगी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, पतंजलि का अष्टांग योग, और ब्रह्म कुमारी जो सिखाते हैं हम लोग वो है राजयोग। राजयोग दुनिया के सभी योगों से बिल्कुल ही भिन्न है। कैसे भिन्न है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली कराऊंगा भी दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले पहले आप मुझे बताइए कि आप सभी के पास वो जैनी है, वो मैजिकल पावर है, वो इन्फिनिट एनर्जी है कि नहीं? सभी के पास है? सभी के पास आवाज तो सिर्फ चंद ही आ रहे हैं, थोड़े ही आवाज आ रहे हैं। हाथ हाथ अनन्य हाथ ऊपर उठाओ जिनको लगता है कि मेरे पास वो चिराग अलादीन का चिराग है जिसको किसने के बाद, इसको हाथ नहीं उठ ना, कुछ हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं, या फिर देख के उठा रहे हैं ऊपर। अच्छा ठीक है, हाथ नीचे ले लो। अभी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं उठाया है, अब मेरा सवाल है कि जिनके पास वो चिराग नहीं है वो हाथ ऊपर उठाओ। एक भी हाथ ऊपर नहीं, तो कहां गए वो हाथ जो ना पहली बार उठे ना अभी उठे? इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट क्लियर विद द क्वेश्चन। हमारे दो माइंड्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इस माइंड की फ्रिक्वेंसी होती है बीटा 13 से 19। मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं। वी आर ऑल कॉन्शियस एंड एक्टिव। अभी कभी हम मेडिटेशन कराएं आपको, वी कैन डल योर कॉन्शियस माइंड, जिसमें ब्रेन की फ्रिक्वेंसी होती है 8 से 12, उसको हम कहते हैं मेडिटेटिव फ्रिक्वेंसी, उसको हम कहते हैं मेडिटेशन की अवस्था। ध्यान के शुरुआत की अवस्था में धारणा होती है, धारणा जब समाप्त होती है तो ध्यान शुरू होता है, ध्यान का जब अंत होता है तो समाधि, जिसको हम क्या कहते हैं, समाधान हो जाना। एनी डैम क्वेश्चन अराइजिंग इन योर माइंड इज आंसर्ड इन दैट स्टेट ऑफ द माइंड। देखिए आप सभी यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं मोस्टली, और आप कुछ ना कुछ अपने गेम्स को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए यहाँ कुछ सीखने आए हैं, राइट? दैट इज योर पर्पस। जो व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है, एकांतवास का अभ्यास नहीं करता है, अंतर्मुक्ता में नहीं जाता है, वो इस मन के मिरेकल्स को कभी नहीं कर पाएगा। जब तक मेरे मन में चिंता है, भय है, दुख है, नाराजगी है, शांति है, आई एम कंफ्यूज, आई एम लॉस्ट, आई एम डिप्लेटेड, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं निराश हो चुका हूं, आपका यहां पर ब्रेन की फ्रिक्वेंसी 13 से 19 से लेकर 19 से 35 तक जाती है, 35 से 50 तक जब आपके अंदर किसी प्रकार का विकार होता है, काम क्रोध लोभ अहंकार का, दिस कैन गो एंड राइज फ्रॉम 35 ऑनवर्ड्स अप टू 50। 50 में व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है, क्रोध के वश किसी का मर्डर कर देता है, कुछ भी हीनियस एक्ट्स करते हैं, जहां पे आतंकवादी को ट्रेनिंग देके उनको काम पर लगाया जाता है, दैट फ्रीक्वेंसी। जैसे मेडिटेशन बैठते हैं द फ्रीक्वेंसी कम्स डाउन, पहले शरीर स्थिर होता है, सांसें मंद होती हैं, मन शांत होता है, और जहां पर हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी अल्फा होती है वहां से आप वो सारे चमत्कार कर सकते हैं जो जिसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज होती है वो होती है इमेजेस एंड द फीलिंग, जो मैंने बताया पहले आपको, यू डोंट थिंक, फील। व्हाट डू यू फील? व्हाट डू यू फील? कैन एनीबडी टेल मी? आप सोच रहे हैं कि मैं अगले बार ओलंपिक्स में खेलने जाऊंगा, आप सोच रहे हैं कि इस बार मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलूंगा, आप सोच रहे हैं कि मैं इस बार जो है स्टेट लेवल पर खेलूंगा, बट मैं कह रहा हूं डोंट थिंक, फील। व्हाट डू मीन बाय फील? हाँ, आप उसका जो है मीनिंग बता रहे हैं मुझे। हाँ, विजुअलाइज अलग चीज है,
Yes? देखो फिर से बहन जी आंसर तो बता रही हैं, लेकिन वो भी सही नहीं है। अपनी आंखों के सामने उसको देखना, उसका विजन आप बना रहे हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीलिंग। हर विचार आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट करता है, दैट इज आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव एट ए टाइम। वी कैनॉट हैव टू फीलिंग्स ऑल टुगेदर। इमोशंस अलग चीज है। इमोशंस आपके बॉडी के, जैसे गुस्से का इमोशन है, इरिटेशन है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, हैप्पीनेस है, जॉय है, लव है, दी आर द इमोशंस। बट फीलिंग आर ओनली टू, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? फीलिंग करना मतलब उसके बारे में सोचना नहीं है, उसको फील करना है। फील क्या करना है? यू हैव टू, जब आपके वो गोल आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण में होंगे, आप उसको देख रहे हैं, मेरे हाथ में ट्रॉफी है, सारे के सारे स्टेडियम लोग खड़े होकर मैं स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, जोर से तालियों को गड़गड़ाहट पूरे हाल में गूंज रही है, आपके हाथ में ट्रॉली है, ट्रॉफी है, आप उसको फील कर रहे हैं, आपके अंदर वो इमोशंस भी आ रहे हैं। द फीलिंग विच यू कैन गेट वंस द गोल्स आर मैनिफेस्टेड, आपके जो गोल को प्राप्त करने के बाद जो आपको फीलिंग होगी, यू विल फील वाइब्रेंट, यू विल फील जुबिलियंट, आपके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, इतनी खुशी, इतनी अच्छी फीलिंग, दैट इज द इंडिकेशन, राइट इंडिकेशन टू द यूनिवर्सल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हमने फीलिंग कहा है। डोंट से बट विजुलाइज, है ना? इसे क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा इसका। ये देखिए, जैसे आपको, है ना, बच्चे को साइकिल चाहिए, है ना, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, पापा को बोलते पापा मुझे साइकिल चाहिए, है ना, तो जैसे उसके मन में आती है ना साइकिल, उसके पापा ने कहा कि बेटा आपका एग्जाम होने दो, हमको जरूर साइकिल लेके देंगे, तो बच्चा क्या करता है, विजन में देखता है। जैसे ही बच्चा साइकिल का विजन देखता है ना, तो रास्ते में जो भी साइकिलें चलती है, कहीं साइकिल शोरूम है तो बच्चा वहीं ठहर जाता है, और बच्चे के सामने देखो, जो आप देखोगे ना, तो सारी कायनात आपके फेवर में काम करेगी, आपके साथ वो मोटिवेशन, वो इंस्पायरेशन, वो गुड लक, ऐसे ऐसे चमत्कार अद्भुत आपके साथ होने लगेगा कि जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। दैट विजन, वंस यू स्टार्ट लुकिंग इन टू इट, वो आपके जीवन में आना चालू होते चले जाएंगे। तो हम यहां पर एक है ना, पहले प्रैक्टिकल करेंगे कि देखिए विजन जो है कब होता है, जब आपका बाहरी मन शांत होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद आपका बाहरी मन अल्फा से भी नीचे के फ्रिक्वेंसी में जा सकता है, थीटा और डेल्टा समटाइम्स। उस समय आपका जो माइंड है मैक्सिमम रिसेप्टिव पावर में होता है वो, राइट? उस समय जो विजन बनाते हैं ना, उस समय जो विजन बनाते हैं, वो विजन बहुत आसान होगा बनाना, क्योंकि यहां बाहरी मन शांत है, मुझे नहीं मिलेगा, मेरे भाग्य में नहीं है, मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूं, साथी अच्छे नहीं हैं, कोच स्ट्रेंथ अच्छी नहीं देते हैं, या मैनेजर्स पॉलिटिक्स खेलते हैं। जब तक आपके बाहरी मन में ये सब बातें चलती रहेगी ना, ये आपके अंतर जगत के मन को एक्टिवेट होने देगा ही नहीं। तो जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, दे आर मोर क्रिएटिव। तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। पहले भाई साहब, पहले वो हाउ टू मेडिटेट का वीडियो चला है, पहले मैं हमने आपको एक यदि कि वाई राजयोग मेडिटेशन इज मच मोर इफेक्टिव, 10 लाख लोग इस मेडिटेशन को फॉलो करते हैं, जहां से उन्होंने अपनी जिंदगी में खिजा से बाहर और जीरो से हीरो बने हैं, जिसमें एक आपके सामने बैठा है। फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों में हर रोज
जैसे नहाते दो बार हैं दिन में, या कपड़े दो बार चेंज करते हैं, दो बार खाना खाते हैं या तीन बार, वैसे ही दो बार का मेडिटेशन पिछले 30 सालों से मैं ऑलमोस्ट हर रोज करता हूँ। और मैंने देखा है कि जिंदगी के हर एरिया में, जिंदगी के हर एरिया में मैंने चमत्कार देखे हैं। क्यों ऐसा? हर रोज का मेडिटेशन आपके तीसरे नेत्र को, आपके दिव्य बुद्धि को, आपके सद्विवेक को, आपकी अंतर आत्मा को, आपके इंट्यूशन को एक्टिवेट करता है। अब आप काम नहीं कर रहे हैं, अब आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, इंस्पायर्ड एक्शन आपके अंदर से आती है कि इसको दुखी मत करो, इससे अच्छा व्यवहार करो, इसको माफ कर दो। बिजनेस में चलाता हूँ, यहाँ मैं बैठा हूँ, लेकिन सारा कल भी ऐसा एक निर्णय मैंने यहाँ से लिया है कि शायद वहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, मेरा बेटा है और सेक्रेटरी है, शायद वो लोग वहाँ से भी नहीं ले पाएंगे। एवरी मोमेंट योर इंटिट्यूटिव माइंड स्पीक्स टू यू, और उसके अकॉर्डिंगली जो आप एक्शन लोगे ना, क्योंकि वो जो इंस्पायर्ड एक्शन है वो त्रिकालदर्शी आपको भेजता है, जो आपके वर्तमान को जानता है, जो आपको भूत को जानता है, जो आपके भविष्य को जानता है। ये वो माइंड है, ये वो पावर है जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। तो कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, आई जस्ट ब्रीफ यू, फिर हम आपको स्पोर्ट के हिसाब से विजुलाइजेशन कराएंगे। ये देखिए, राजयोग मेडिटेशन में सबसे पहले साधक अपने आप को किसी भी एक आधार स्थान पर, आधार आसन में, या फिर कुर्सी पर बैठकर आप कर सकते हैं, बैठे हैं तो आपको लोअर बैक को पीछे लगा देना पड़ता है ऐसे करके, ताकि वह अपराइट हो जाएं। और हम अपने आप को पहले, हम क्या करते हैं, बहुत सारे के प्रकार के विचार योगी के मन में आते हैं, धीरे धीरे शरीर स्थिर होता है, सांसें मंद होती हैं, और सांसों के मंद होते ही मन शांत होता है, और मन शांत होते ही हम आत्मिक स्वरूप में आ रहे हैं। ये यहाँ दिखाया जा रहा है कि आत्मा अब धीरे धीरे, ये देखिए, ये देखिए, शरीर के भान से बिल्कुल ही न्यारी, प्यारी, अनासक्त, उपराम, आबू के अरावली पर्वत के पहाड़ों से भी ऊपर इस हॉल से निकलती हुई अब पहुंची है, और ऊपर की तरफ चांद, सितारे, तरंगण, ब्रह्मांड, नक्षत्र, इनसे भी पार होती हुई, देखिए आत्मा धीरे 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 इस स्थूल जगत से एक ऐसे जगत में, एक ऐसी यात्रा की तरफ जहाँ से जिंदगी की बहार, जिंदगी की खुशनुमाएं, जिंदगी की सारी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये अब आसमान दिखाया गया है, आसमान से भी पार, यहाँ पर ये है सूक्ष्म वतन, और ये है सुनहरे लाल रंग का प्रकाश जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। आत्मा धीरे धीरे चल पड़ी है ऊपर की तरफ, इन सभी को पार करती हुई, और अब जैसे आत्मा उस स्थान पर पहुंचती है जहां में आत्माओं का निवास स्थान है, यहां पर आत्मा आकर ठहर जाती है। ये देखिए, यहां पर दिखाया गया है कि परम धाम में सुनहरे लाल रंग के प्रकाश में इस सभी आत्माएं आत्मिक स्वरूप में, वहां पर निवास स्थान है किसका, हम सभी आत्माओं के पिता, परम पिता, परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, द सुप्रीम पावर, द इन्फिनिट इंटेलिजेंट, जो स्वयं भी एक बिंदु रूप दिव्य सितारा टिमटिमाती हुई मणि के रूप में है, और आप विजन बनाते हैं कि मैं आत्मा इस वक्त शरीर के भान से मुक्त होकर परम धाम में, शांति धाम में, अपने पिता, परम पिता परमात्मा जो सागर है, विच द ओशन ऑफ पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, जॉय एंड ब्लिस, आप जो भी इनसे लेना चाहें ना, जब बहुत आपका मन शांत है, आप विजुलाइज कर रहे हैं कि शांति के सागर से शांति की अनंत किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझे आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं, आप इस वक्त बिल्कुल ही आत्मिक स्वरूप में, कॉन्शियंट बींग ऑफ लाइट के रूप में,
और जब तक आप चाहें वहां पर रह सकते हैं, आपके पास कितना टाइम है, कितना वक्त आप वहां रह सकते हैं, एक बार आपको लगा कि अब मैंने उन शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण किया है, और फिर वहां से क्या होता है, आत्मा वहां से अब चल पड़ती है वापस स्थूल जगत में। देखिए धीरे धीरे सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की दुनिया से धीरे धीरे नीचे आती हुई ये देखिए परम धाम शांति धाम निर्वाण धाम कहते हैं इसको, जहां शरीर नहीं होता है, धीरे धीरे व्हाइट लाइट, इसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं, ज्यादा आप कोर्स करोगे तो मालूम पड़ेगा। यहां पर हमारा वो स्थान है जहां पर हम सारे गोल्स को विजुलाइज करते हैं, इसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। मैं आगे समझाऊंगा आपको, आत्मा नीचे उतर रही है आसमान में, चांद तारे नक्षत्र उनसे भी धीरे धीरे और नीचे की तरफ स्लोली एंड स्लोली। सारा विजन आपको देखना है, यू टू विजुलाइज एवरीथिंग। मन में संकल्प लेते हैं कि मैं आत्मा और परमात्मा से मिलन बनाने के बाद उनकी शक्तियों को लेकर धीरे धीरे वापस मैं स्थूल वतन में लौट रही हूं, जहां मुझे अपने देह को फिर से धारण करना है, अपना सर्वश्रेष्ठ पार्ट प्ले करना है। स्लोली एंड स्लोली द सोल इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन स्टार, ट्विंकलिंग स्टार इज कमिंग डाउन एंड डाउन। बहुत ही अच्छा मनोचित्रण आप यहां कर सकते हैं। यू आर एब्सोल्यूट डिटैच फ्रॉम द बॉडी, ऑल द अट्रैक्शन, देह का भान, देह के संबंध, देह के आकर्षण, देह के पोजीशन, सभी से बिल्कुल आप जो हैं, ये देखिए अरावली की पहाड़ी आप विजुलाइज कर सकते हैं। उन पहाड़ियों के और नीचे जब आत्मा आ रही है तो इस हॉल के ऊपर से प्रवेश करेगी इस हॉल में आप जहां बैठे हैं, आत्मा वापस प्रवेश कर रही है आपके भ्रुकुटी के मध्य में, जो आत्मा का निवास स्थान होता है। ये देखिए अब यहां पर आने के बाद जो मैं रोज करता हूं, हम भी करते हैं सभी, 5 मिनट के लिए जो पावर आपने ऊपर से लिया है, अब यहां पर हम मेडिटेशन पूरा करने के पहले क्या करते हैं, यहां से मैं सकाश देता हूं प्रकृति के 5ों ही तत्वों को, अग्नि तत्व, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। उसके बाद ये स्थूल आंख है, यहां से शक्ति, यहां से शांति और यहां से सुख के प्रगमपन, समस्त विश्व की आत्माओं को विजुलाइज करके मैं देता हूं। उसके बाद आई गो टू माय फैक्ट्री, वहां पर ये सारी लाइट और माइट फैक्ट्री में देता हूं कि यहां जितने भी लोग कनेक्टेड हैं फैक्ट्री से, चाहे मेरे फैक्ट्री के काम करने वाले हैं, सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं, डाई मेकर्स हैं, जो भी कनेक्टेड हैं, उन सभी को लाइट माइट देता हूं कि सभी का भला इस फैक्ट्री से हो। उसके बाद फिर मैं जाता हूं अपने घर में, होता तो घर में ही हूं लेकिन वो कमरों में सोए रहते हैं, फिर मैं घर में बहू है, बेटा है, युगल है, तीनों को भी मैं ना ऐसे आत्मा करके देखता हूं। और आप भी कहीं भी किसी भी कोच से, किसी भी मैनेजर से, किसी भी खिलाड़ी से, किसी भी कॉम्पिटिटर से अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मेडिटेशन करके कैसे उनको भी बदल सकते हैं। आपको 4 थॉट्स लेने होते हैं। पहला थॉट अगर एक है तो एक को विजुलाइज करो, 3 के साथ आपको तकलीफ है 3 के साथ विजुलाइज करो, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि थैंक यू, आई लव यू ऑल, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू बीइंग द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। और मैंने देखा है कि इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन, इतना प्यार, मैं ये कह सकता हूं जब मैं फैक्ट्री से जाता हूं घर पे ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं घर जाता हूं, मुझे लगता है मेरा आश्रम है, मेरा घर। सो मच ऑफ लव, सो मच ऑफ अफेक्शन, सो मच ऑफ केयरिंग, सो मच ऑफ कंसर्न, बिकॉज नाउ यू आर गिविंग नॉट टेकिंग, यू आर गिविंग देम द लव, पीस, पावर, कंसर्न, कोऑपरेशन। तो क्या होता है, यू आर बीइंग रिफ्लेक्टेड द बैक इन योर लाइफ एंटायर थिंग्स। आपके लिए बता रहा हूं मैं कि यहां पर कि आप एक प्रयोग कर सकते हैं, जिसके भी साथ आपका मनमुटाव है, टकराव है, हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि जो हम चाहेंगे ना इस कलयुग के अंतिम समय में वो नहीं होगा।
We have to accept the way the people are, the situations are, the events are. Right? लेकिन इतना आसान नहीं है. लेकिन मेडिटेशन के हर रोज के अभ्यास में क्या होता है, पहले तो आप रिलैक्स होते हैं. आप कोई भी परफॉर्म करने जा रहे हैं गेम, तो सबसे पहली पहली बात क्या चाहिए, फिजिकली एंड मेंटली यू शुड बी रिलैक्स्ड. राइट? तनाव में आकर आप साधारण साधारण काम भी नहीं कर पाओ जल्दबाजी में या तनाव में. नथिंग कैन दिस माइंड कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन. राइट? तो आप है ना, जब मेडिटेशन पूरी की, वो सोए हुए कंडीशन है, क्योंकि डायरेक्टली आप सबकॉन्शियस माइंड में उनके साथ बात कर सकते हैं. बात क्या कर सकते हैं कि पहले सेंटेंस कनेक्ट करो आपको एनर्जेटिकली उनके साथ में. आप कहो कि आप एक दिव्य आत्मा हैं, जिसके साथ भी टकराव है, चाहे वो स्पोर्ट्स फील्ड के हैं, घर के मेंबर्स हैं, पड़ोसी हैं, या फिर आपके जॉब एंड करियर में वो लोग हैं. पहला सेंटेंस अगर आप कहोगे, आप एक शुद्ध आत्मा है, दिव्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, विशेष आत्मा है, यानी पॉजिटिव अफर्मेशन. राइट? नंबर टू, आप भगवान के बच्चे हैं. यू आर डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ. आप एक अच्छी आत्मा है, तो देह का कनेक्शन टूट गया आपका पूरा. सारे विकार कहाँ से आते हैं? मौर मेरेपन से. अटैचमेंट जहाँ होते हैं ना, वहीं ये सारी बातें आपके पीछे आती हैं. तो आप दिव्य आत्मा हैं, भगवान के बच्चे हैं, आप मेरे अच्छे मित्र हैं, यू आर गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. और चौथे में आपको कहना है कि आप मेरे अच्छे सहयोगी हैं, यू आर कोऑपरेटिव टू मी. एक हफ्ते के पहले आप उस व्यक्ति के बीच में आपके साथ जो संबंधों का टकराव है ना, एक हार्मनी रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगी. और आप जो उनको कह नहीं पाते हैं, अगर उस अवस्था में उनके सुमान को जागरूक कर आप उनको कहोगे ना कि बेटा, आप मेरे बहुत अच्छे बेटे हैं, लायक बेटे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू बीइंग इन अ लाइफ, आई लव यू. आप क्यों करते हैं ऐसा? आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं? जो जो बात आप उनको कहना चाहते हैं, किसी कोच को, किसी मैनेजर को, किसी खिलाड़ी, किसी अपोनेंट के बारे में भी, मैं आपको बताऊंगा कि अपोनेंट के बारे में कैसा हम अपनी वाइब्रेशन को ऑफ अट्रैक्शन कैसे ला सकते हैं, दैट विल सी इन द आगे हम देखेंगे. तो यस, तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखो, अभी हम क्या करेंगे, आप जो भी गेम खेलते हैं, राइट, कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई इस वक्त भी लक्ष्य है ना, लक्ष्य है कि नहीं. अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे उसका हम विजन बनाएं, कैसे हम उसको एंड रूप में देखें. वी हैव टू सी विजुलाइज द एंड बट नॉट इन द बिगिनिंग. हर रोज के विजुलाइजेशन टेक्निक में हम उसकी परसेंटेज को बढ़ाते चले जाएं. पहले आपको अपने विजन को इतना बड़ा देखना है, ऊपर ऊपर से, बाहर बाहर से, धीरे 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 आपका विजन कॉन्टैक्ट होता चला गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे डिटेल्स ऐड होते चले जाएंगे. आपके पांचों ही जो सेंसेस हैं उनका समावेश उसमें होगा. आप उस पिक्चर्स को मूविंग होता हुआ देखोगे. तो मैं प्रैक्टिकली सारा आपको कराऊंगा. इसको बंद कर देगा, वो वापस चालू करो. स्टार्ट द सेम PowerPoint, yes. चले रेडी. देखो, अगर आपके सामने अगर और कोई भी समस्या है, आप घर में दुखी हैं, नाराज हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, कोई ऐसी बात है जिसने जो अगर आपके जिंदगी में न होती तो जिंदगी आसान होती, या एनी बॉदरिंग इश्यू इन योर लाइफ, एनी बॉदरिंग इश्यू मे बी रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स और मे बी रिलेटेड विद योर एनी एरिया ऑफ द लाइफ, वेदर इट इज माई हेल्थ, वेदर इट इज माई finance, whether it is my job, career, relationship, or spiritual goals, or my life's goals. वो कोई भी goal लेकर आप चलोगे, मैं आपको धीरे धीरे करके वहां ले जाऊंगा, कैसे कैसे देखना है, क्या क्या करना है, ये सब आप देखोगे. बट क्योंकि being the sports conference, I'll be taking any particular, जो मैं कराऊंगा वो आप अपना देख सकते हैं, उसको करते हुए अपना आप करते हुए, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली सभी को कहाँ ले जाऊंगा, उस गोल के अंतिम सीन तक कैसे जाना है, क्या क्या देखना है, कैसे कैसे विजुलाइज करना है, कैसे उन्हें फीलिंग्स को ऐड करना है, ये सब हम देखेंगे. तो सभी है ना, थैंक यू. इसका पीछे वाला स्क्रीन, ये देखिए,
आप जितना अपने विजन को, अपने गोल को विजुलाइज करोगे, आपके गोल आपके सामने जितने ही ज्यादा बड़े होते हुए दिखाई देंगे, जितने ही ज्यादा ब्राइटर होते हुए दिखाई देंगे, और जितने ही ज्यादा वो बोलेंगे लाउडरली टू यू, आपको ऐसा लगेगा बस ये अब मेरी रियलिटी है ये, देन मैनिफेस्टेशन विल ऑकर इन योर लाइफ. द मोर यू विजुलाइज, द मोर यू एड द डिटेल्स इन योर विजन, द मोर क्लोजर यू आर टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन रियलिटी ऑफ योर लाइफ. कोई भी विजन करने के पहले, कोई भी गोल देखने के पहले, हमेशा ही भगवान को सरेंडर करो. मैं आपको कराऊंगा आज, लास्ट में कराऊंगा मैं. देखिए इंटेंशन हम ले सकते हैं, लेकिन मैं कहां तक जाऊंगा, मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, दैट ऑलवेज एंड एवर यू विल बी मैनिफेस्टिंग. तो हम हर विजन के एंड में जब वो पूरा करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, दिस आर समथिंग बेटर, ये या इससे और अच्छा मैं अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहा हूं, इन द हार्मनी एंड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल द कंसर्न, सभी के हार्मनी और संतुष्टता के साथ. क्योंकि जब आप भगवान के ऊपर छोड़ते हैं, मुझे ये ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे अभी ही चाहिए, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट नो मैटर वॉट. देखिए जब भी गेम खेलने जाते हैं ना, मैं तो हमेशा हर खिलाड़ी को एक ही बात कहता हूं कि अपने मन में हमेशा ही रखो एक विचार, आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर, आई एम ऑलवेज गाइडेड इन द डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन लव इज ऑलवेज गाइडिंग मी, मेरे साथ सदा ही ईश्वरी शक्तियां मुझे ईश्वर दिशा प्रदान कर रहे हैं. और सेकंड एफर्मेशन जो हम ले सकते हैं, ओनली गुड लाइज बिफोर मी, मेरे आगे सब अच्छा ही अच्छा है. ये अगर आप एफर्मेशन मन में लगातार चेंटिंग करते चलोगे, तो इसके आखिरी में हम देखेंगे, और विल एंड अप दिस विजुअलाइजेशन विथ ये जो हम बोले कि दिस आर समथिंग बेटर आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट. और बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने गोल को यूनिवर्स में सौंपने की टेक्निक है, पिंक बलून टेक्निक कहते हैं, पिंक बलून टेक्निक. तो सभी है ना रेडी हो जाएं, आपके सामने जो भी गोल है, जो भी टूर्नामेंट आगे है आपके पास में, जहां भी आप जाना चाहते हैं, जो भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका जो लक्ष्य है इस वक्त है, उसको अपने आंखों के आगे ले आए और कहें कि इंटेंड एंड लव टू रीच डैश 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 फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंसर्न. रेडी, सीधा होकर बैठे सभी, लोअर बैक को टच करो पीछे, आपका बॉडी अपराइट पोजिशन में हो जाए. राइट, हथेलियां ऊपर तक रखो. अगर विजुलाइजेशन कोई नहीं कर पाता है, मतलब यह है कि वो न तो तन से स्थिर है न मन से स्थिर है, तो सबसे पावरफुल मुद्रा, बॉडी का गैश्चर होता है पृथ्वी मुद्रा. ये छोटी उंगली है ना, छोटी उंगली के पास वाली उंगली को पृथ्वी तत्व कहते हैं. अंगूठे के सामने राउंड फिगर, राउंड यहां बनाते हुए सभी बनाओ. इस मुद्रा में अगर विजुलाइजेशन करोगे तो आपका विजुलाइजेशन बहुत अच्छा होता है. इसको कहते हैं विजुलाइजेशन मुद्रा, वैसे तो इसको विटामिन मुद्रा कहते हैं. हर तरह की स्थिरता को ले आती है ये आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करती है, अर्थ एलिमेंट को स्टेबल करती है. आप ऐसे रखो इसको, यू कीप इट वेरी जेंटली एट द सेंटर ऑफ थाइस. ये आंखें बंद करें सभी, लाइट म्यूजिक, हल्का सा म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक. आंखें बंद करो सभी, बी स्ट्रेट, शरीर को बिल्कुल ढीला करो, सीधा रखो शरीर को, रिलैक्स रखो, आईज जेंटली क्लोज्ड, चेहरे पर कोई तनाव ना हो, जबड़े टाइट ना हो, आंखें भींची हुई ना हो, हल्की सी मुस्कुराहट, निश्चिंता का भाव चेहरे पर. सांसों को फोकस करें पहले,
एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए न बाहर जाने पाए. सो मच ऑफ अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, जागरूकता, सतर्कता, साक्षीपन और तटस्थता का भाव. गेट क्लोजर टू योर ब्रीदिंग. सांसों के इतने करीब चले जाएं कि अब इन सांसों को फील कर सकें, महसूस कर सकें. आने वाले सांस की ठंडक और बाहर जाने वाले सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें. सांसें जिनके प्रति सभी सतर्क हैं, जागरूक हैं, अब मंद होती हुई सांसें पतली, शिथिल और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन जो सब बिल्कुल ही शांत. डीप साइलेंस, शांत शांत. अब आप एक ऐसी जगह जो सेंचुरी कहलाती है, जहां पर हर समय आप अपने गोल्स को विजुलाइज कर सकते हैं, वो एक सुंदर सा बगीचा हो सकता है, हिल स्टेशन, जहां भी आप चाहें, जैसा भी आप चाहें, एक सेंचुरी अपने मन में निर्माण करें. वो आपके घर में मेडिटेशन का कमरा हो सकता है या कोई मंदिर हो सकता है. वेर फील मोस्ट कंफर्टेबल. आपने उस जगह को तहे दिल से बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है. आप उस स्थान पर पहुंचे हैं. बहुत ही सौम्य वातावरण, शुद्ध हवा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको. बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं. फीलिंग ग्रेट. अब आप देख रहे हैं कि मैं कहां खड़ा हूं और मेरा लक्ष्य क्या है. एक ऐसी लाइंस अलग अलग कलर्स की आप देख रहे हैं, जहां से जीरो की लाइन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, आगे जाते जाते 100. आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर्स में ये रेखाएं आपने अंकित कर ली हैं. आप देखें कि इस वक्त आपके गोल के साथ आप कहां खड़े हैं, 10 की लाइन पर, 20 की या 30 की या 40 की. जहां भी आप खड़े हैं, आप अब देख रहे हैं कि मेरे अंदर उस गोल के पाने की डिजायर बहुत इंटेंस होती जा रही है. आप देख रहे हैं कि हर रोज आपका मेडिटेशन आपके अंतर जगत के इंट्यूटिव माइंड को एक्टिव बना रहा है. रात को सोने के पहले आप ने उस दिन की उस सारी बातें जो आपके लाइफ में आज के दिन अच्छी गुजरी हैं, उन सभी को याद किया है और सेटिस्फिकेशन आपको है कि आज जो भी हुआ अच्छा हुआ. आप सोए सेटिस्फिकेशन से और आपने अगले आने वाले दिन के लिए एक इंस्पायर्ड एक्शन से एक गोल को सामने रखा है या अपने आप से कहा है, आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट द मोस्ट डिजायर्स इन माई लाइफ टूडे.
I am being guided tomorrow in my life with the wonderful things. Determined mind hai aapka, aur aaj aapne decide kiya hai ki main apne game mein zarur kuch percentage hi sahi, bhale woh 1% ho, I am going to do better. I can do better. Aap har roz ki tarah alarm nahi uthaya aapko, aapke determination ne, aapke kuch paane ke jazbaat ne aapko uthaya hai. Aapne aap uthe, bed choda aapne, bhagwan ko dhanyawad kaha. Agar kuch affirmations aap le rahe hain goal ko pura karne ke liye, wo kahein. उसके बाद आपने अपने आप को फ्रेशअप किया, 1 से 2 ग्लास पानी का आपने पिया, यू आर फुली हाइड्रेटेड नाउ. और अब आपने अपने ड्रेस को धारण किया है, यो ड्रेस है स्पोर्ट्स की, इसको पहनने के साथ ही आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा आ जाता है. आप अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर चले हैं रोज की तरह अभ्यास करने के लिए, तरंगित हैं आप, काफी उत्तेजित हैं, एक्साइटेड हैं, एंथुजियास्टिक हैं. आपके शरीर में आज के आपके गेम के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही एनर्जी से आप, बबलिंग एनर्जी के साथ आप जा रहे हैं. आप देख रहे हैं कि आज का खेल, आज की प्रैक्टिस मेरे लिए मेरे लक्ष्य को और आगे लेके जाएगी. आपने गेम खेलना शुरू किया और पहले ही स्ट्रोक ने आपके अंदर के उस वाइब्रेंट एनर्जी ने वो कर दिखाया है, रोमांचित होते हैं आप. नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड सेज टू यू, यस You can do it. और आगे जा रहे हैं आप धीरे धीरे इन कलरफुल रेस को क्रॉस करते हुए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. हर रोज आप अपने गेम में जो भी कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, पहले से ज्यादा रोमांचिक, पहले से ज्यादा एक्साइटेड, पहले से ज्यादा उसको पाने की कैसी डिजायर जो बर्निंग होती जा रही है. अब आप अपने गोल के 70% तक पहुंच चुके हैं. आप एक सुपरमैन की तरह, सुपर वुमन की तरह बहुत ही तीव्र गति से सबकॉन्शियस माइंड के इंस्पायर्ड एक्शन से बढ़ रहे हैं आगे. कोई आपकी स्पीड को इस वक्त रोक नहीं पा रहा है. यू आर सो एंथुजियास्टिक, यू आर सो वाइब्रेंट, फीलिंग सो जुबिलियंट. और आप देख रहे हैं कि आप ऐसे काबिल हो चुके हैं कि अब आपका वो टूर्नामेंट आ चुका है, वो जो भी आप खेलना चाहते हैं कोई भी लेवल पर, आप उसमें इस तरह अपना प्रदर्शन दे रहे हैं कि आपके शरीर से उठने वाली हर तरंगे, जज्बात, उसके पाने की जो आपके अंदर जो वाइब्रेंट एनर्जी है वो पूरी तरह एक्टिव है इस वक्त. और आप पूरे अपने गेम के स्पिरिट से उसको खेल रहे हैं. हर बार एक आवाज, एक अंतरात्मा की दिशा आपको बता रही है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपने उस गोल को अचीव किया है. आप का नाम डिक्लेयर किया जाता है, You are the winner. एक ट्रॉफी आपके सामने लाई जाती है और जैसी उस ट्रॉफी को आपने हाथ में पकड़ा है, उस ट्रॉफी की आप फील कर सकते हैं, उस ट्रॉफी को आप देख रहे हैं, लोगों के स्टैंडिंग ओवेशन को आप महसूस कर रहे हैं. एंड नाउ यू आर द ट्रू विनर. आप बहुत खुश हैं,
You're so happy and delighted. आपके खुशी की आनंद की कोई इंतहा नहीं है. रोम रोम पुलकित हो उठा है. अब आप कहें ये या समथिंग बेटर देन दिस, इससे अच्छा मैं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने जा रहा हूं. अब लास्ट में आप देखें कि एक पिंक बलून, बहुत बड़ा बलून, पिंक कलर का बलून, और आप अपने लक्ष्य, अपने गोल के अंतिम सीन को, जहां वो आपकी रियलिटी बन चुकी है, उसको आप देख रहे हैं. उस बलून में आपका गोल है, मैनिफेस्टेड गोल, और एक बलून जिसका कलर पिंक है, जो हार्ट का कलर होता है, आप उसे धीरे से आसमान की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं, और ऊपर और ऊपर और ऊपर पिंक बलून धीरे धीरे, पिंक बबल छोटा हुआ, छोटा होता हुआ, छोटा होता हुआ, आपके आंखों से अब पूरी तरह ओझल हो चुका है. आप बहुत खुश हैं कि आपने अपने साथ भगवान को भी समावेश किया है आपको देने के लिए. अब मैं 5 से 1 तक गिनती करूंगा. 5. You're slowly and slowly coming out from the deeper state of the mind. 4. Feeling quite rejuvenated. 3. Feeling quite much more happier. 2. Feeling great, fantastic, jubilant and fully satisfied. अब धीरे से, वेरी स्लोली आंखें खोले. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट बी विजिलेंट. ये नहीं है कि कल आपने एक देखा है, आज आप दूसरा देख रहे हैं. दिशाहीन होना आपको अपनी मंजिल पर कभी नहीं ले जाएगा. यू हैव टू बी विजिलेंट कि यू आर इन द राइट डायरेक्शन. आप एक गोल के कई सारे गोल्स कर सकते हैं, कुछ स्टेप गोल्स कर सकते हैं, एंड देन यू शुड बी परसिस्टेंट. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. एक कुल्हाड़ी से जब 1000वां प्रहार कराया जाता है उस पत्थर पर, तो उसका कतई ये माना नहीं होता है कि पहले प्रहार ने उस पत्थर को कमजोर नहीं किया है. आपका हर दिन का विजन, आपका हर दिन का जो आप उसको देख रहे हैं, उसमें एडिशन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली आपको अपने गोल के करीब लेते जा रहा है. अब कुछ ये हम देखेंगे कि देखिए भगवान का नियम है, लॉ ऑफ क्रिएशन सेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, मांगो, आस्क, बिलीव एंड रिसीव. जब तक आपका अंतर्मन उसको स्वीकार नहीं कर लेता है, आई कैन रीच टू दिस डेस्टिनेशन, आई कैन रिसीव इट, आई कैन अप्रोच टू दिस माई गोल, तब तक आपको, जब तक कंफ्यूजन है, आपके कॉन्शियस माइंड कहता है कि आपको नहीं मिलेगा. अब अंतर्मन, बाहर मन कहता है कि आपको नहीं मिलेगा, अंतर्मन आप कहते हैं मुझे मिलेगा. जब तक दोनों में द्वंद होता है तो योर गोल्स कैन नॉट बी आंसर्ड. अब यहां पर जो है सबसे पहला सी, आप जब जाते हैं ना, कोई भी बात आपको परेशान करती है या डिस्टर्ब करती है, यू आर फीलिंग लो, डिप्लेटेड, एग्जॉस्टेड. वो कौन सी बातें होती हैं? अपोनेंट प्लेयर जो है बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है, आपके मन लग रहे हैं अरे. देखिए जब भी कोई स्पीकर भी यहां आता है ना, मैं यही कहता हूं कि भगवान इसको इतनी शक्ति दे कि इसका आज का परफॉर्मेंस बेस्ट हो जाए. यू ऑलवेज अट्रैक्ट फॉर अदर्स. When you attract for others, you get the best, you attract the best in your life. This is the law of universe. Always feel grateful. यहां इस हॉल में कल से लेकर बैठ रहे हैं, but you can have the much better feeling in this hall when you say
वाह व्हाट ए ग्रेट हॉल, कितनी अच्छी सुविधा स्टेज पे बनी हुई है, कितने सौमत्य से लोग यहाँ व्यवहार कर रहे हैं, कितना स्टेज सजाया गया है, एवरीथिंग इट्स मोस्ट डेकोरम टाइप में बनी हुई है. व्हेन यू क्रिएट सच थॉट्स ना, तो यू क्रिएट दैट फीलिंग अकॉर्डिंग. आप अगर नहीं सोच रहे हैं तो यू कैन नॉट क्रिएट दैट फीलिंग. तो ऑलवेज क्रिएट द थॉट्स विच कैन मेक यू टू फील गुड इन दैट एरिया. फीलिंग गुड इज द एब्सोल्यूट वे टू ब्रिंग मोर इन योर लाइफ. ऑलवेज फील ग्रेटफुल नो मैटर वॉट. जब आप कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझे शायद ये नहीं मिला है, लुक इन टू अराउंड दिस कि कौन सी बात मेरी जिंदगी में इस वक्त है, मेरे स्पोर्ट्स के साथ में, मेरे कोच के साथ में, मेरे मैनेजर के साथ में, मेरे साथियों के साथ, मेरे एक्सपर्टाइज के साथ में. ऑल दैट यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग एंड फील ग्रेटफुल. फील, देखिए, ग्रेटफुल इज द ओनली, व्हेन यू आर ग्रेटफुल यू आर गिविन मोर, इफ यू आर नॉट इट विल बी टेकन बैक फ्रॉम यू. नाउ फोकस, एक करा के फिर हम 5 मिनट प्रैक्टिकल करेंगे. फॉलो योर ब्लिस, फॉलो योर ब्लिस. जितना ज्यादा आप वहां पहुंचोगे जो आप हैं, व्हेन यू आर व्हाट यू आर, योर गोल्स गेट्स मैनिफेस्टेड. आप एक शांत आत्मा हैं, शुद्ध हैं, प्योर हैं, पावर हैं, ब्लेस हैं, जॉय हैं. जब आप कोई भी गेम खेलते हैं और आप इन क्वालिटीज को एग्जिबिट करते हैं अपने कर्मों के द्वारा ना, तो यू आर एट द मच मोर, यू कैन से द वाइब्रेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग योर गोल्स. आया समझ में सभी को? अब है ना, सभी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ सभी. एफर्मेशंस को देखना बहुत जरूरी है विजुलाइजेशन में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पहले पहले हम जो हैं एफर्मेशंस करेंगे सेल्फ एस्टीम के. एफर्मेशंस को हम लिख सकते हैं, मन में बोल सकते हैं, आवाज को टेप करके कान में सुन सकते हैं, या तो फिर कोई आपके कान में कहता है, बलराम इज कॉन्फिडेंट, बलराम इज जीनियस, यू आर जीनियस, बलराम इज जीनियस. ऐसे अलग अलग तरीके से आप एफर्मेशन कर सकते हैं. सबसे जो पावरफुल एफर्मेशन होता है वो है आंखों में आंखें डाल के अपने आप से आवाज के साथ कहना, फीलिंग के साथ में. फीलिंग आपके थॉट को, अट्रैक्शन की क्वालिटी को डेवलप कराता है. थॉट प्लस फीलिंग इज द अट्रैक्शन. थॉट प्लस फीलिंग प्लस विजुअलाइजेशन, विजन लिया उसका, दैट विल बी द क्रिएशन. और जब उसके साथ में बिलीव को ऐड कर दोगे, इट विल बिकम योर मैनिफेस्टेशन. रेडी? तो सभी फिर मंत्र रखो और मेरे साथ एफर्मेशंस कहेंगे. जो भी आप हैं, जहां भी है ना, द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, सारी कायनात आपके विचारों के अनुरूप आपके आगे की तस्वीरों को खड़ी करती है. राइट? जो भी आप मांगते हैं तो इट हैज टू पास थ्रू द फिल्टर्स ऑफ द कॉन्शियस माइंड. मुझे नहीं मिल सकता, बहुत देर हो गई, मैंने कितनी बार ट्राई किया है, मेरे भाग्य में नहीं है, मैंने कभी नहीं पाया, ये सारे के सारे जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं. टू ओवरकम दिस अ पॉजिटिव थॉट व्हेन इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट इट एज ट्रू, दैट बिकम्स योर बिलीव एंड यू आर डन अनटू योर लाइफ एज पर बिलीफ. आपके जिंदगी में वो थर्मोस्टैट है बिलीफ जो आपको बताता है कि आप क्या प्राप्त कर सकते हैं. रेडी? यस. फीलिंग के साथ सभी कहेंगे, विजुलाइज करते कहेंगे, भगवान को धन्यवाद देते कहेंगे, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, आई एम ग्रेट, आई एम जीनियस, Universe is in my favor. भगवान मेरा साथी है. I love God. God loves me. I am the best. I can do it. आया समझ में? सेल्फ एस्टीम, फीलिंग के साथ में. अब मैंने आपको बताया था कि जब तक आप यहां से अच्छी फीलिंग को लेकर नहीं जाओगे, दिस पर्टिकुलर लेक्चर और द सेशन इज नॉट गोइंग टू हैव इट्स इंपैक्ट ऑन योर माइंड्स. दैट इज द फील गुड दैट आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि आपके अंदर गुड फीलिंग को आई कैन नॉट क्रिएट.
यू कैन क्रिएट इट, आई कैन क्रिएट इट, दैट इज वेरी टेम्परेली. वो क्रिएशन और ज्यादा क्रेविंग्स को ले आती है, राइट. तो अभी आपको मैं पहले कॉन्फिडेंस बूस्टर, जो जिनको भी लगता है ना मैं कुछ नहीं कर सकता, एक छोटी सी टेक्निक एक मिनट कराता हूँ, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बूस्टर. देखिए आप यहाँ तक जहाँ तक भी पहुँचे हैं ना, तो कई सारे टूर्नामेंट्स, कई सारे लेवल्स पे आप खेल कर आए हैं, या कम से कम आपके अंदर जज्बा तो है उसको खेलने का, आपके अंदर एक विचार उठा है, आपका इंटेंशन उठा है, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कहीं पहुँचाने का पूरा निर्णय लिया है. तो आप है ना, अभी एक विजन में दिखाता हूँ, आप है ना याद करो कि इसके पहले मैंने अपने गेम में क्या अच्छा किया है, किसी ना किसी टूर्नामेंट में जहां मैंने कुछ ना कुछ रिसीव किया है, सक्सेस प्राप्त की है, वो सब आप अपने आंखों के आगे लेके आओगे. और जब आपके अंदर वो, जहां पर आपने कुछ ऐसा कर गुजरा है कि शायद आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, बट यू हैव डन इट, वो बात को जैसे याद करोगे, यू हैव द एनर्जी बबलिंग इन योर एंटायर बॉडी, तब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाना है, अंगूठे को बंद करना है और आपको जोर से कहना है यस. अभी नहीं, पहले लेट मी ब्रिंग यू टू दैट फ्रिक्वेंसी, है ना. ये बाहर से कह रहे हैं तब अंदर से कहोगे, राइट. तो पहली बार करोगे यस, और फिर कहोगे आई कैन डू इट, है ना. रेडी, आंखें बंद करो सभी, विजुलाइज करो, देखो. कई सारी सफलताएं बचपन से लेकर अभी तक मेरी जिंदगी में आई हैं. मैं जब पैदा हुआ तो कुछ नहीं जानता था, बोलना सीखा, चलना सीखा, बात करना सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सारे मैंने टैलेंट्स बनाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज किए, बहुत सारे मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं. और अब मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी हालात में हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है, पाया है. याद करो उस इवेंट को, याद करो उस वाक्यात को जहाँ पर आपने कुछ ऐसा कर गुजरा है ना कि जहाँ पर आपको अपने ऊपर गर्व है, यू आर प्राउड ऑफ इट दैट यू हैव डन इट. इमेजिन दैट, कौन सा वो समय था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कौन कौन इन्वॉल्व था, व्हाट फीलिंग्स डिड यू क्रिएट. जब आपके अंदर वापस वही एनर्जी, बबलिंग एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है, आपके अंदर वही जज्बा उसको प्राप्त करने का है, बस उस समय अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को बाहर निकाल कर मुट्ठी को बंद करो और हमें जोर से पंच करो यस. और एक बार पंच करें, आई कैन डू इट. मैनिफेस्टेशन के लिए तीन का फिगर बहुत अच्छा होता है, जैसे हम तीन बार ओम शांति बोलते हैं, यस अगेन, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट. देखिए हमारे ब्रह्मा बाबा का जहां तहां फोटो लगे हुए हैं, उनको बताया गया था कि आने वाले सतयुग के आप प्रिंस हैं. तो हमारा बाबा कमरे में डांस करता था. एक बार दादी ने देखा कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, बोलती मैं है ना सतयुग में पहुंचकर वहां के रंगीन नजारों को, सौम्य वातावरण को देख रहा हूं, मैं उस आभूषण में हूं जहां पर बहुत सारे गहने मेरे पास हैं, बहुत अच्छे देवताओं के मेरे पास आभूषण और कपड़े पहने हुए हैं. डांस करता था बाबा वो. उसी तरह हम भी अपने गोल्स को सामने रखते हुए, पहले हम दो मिनट का गीत चलेगा जहाँ पर पहले परमात्मा को हम याद करेंगे. जीवन तुमने दिया है संवारोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम. रेडी, ये पहला गीत, फर्स्ट, जीवन तुमने दिया है. अलग अलग होके खड़े हो जाओ, थोड़े सभी अलग अलग हो जाओ, थोड़ा अलग अलग हो जाओ, यू कम इन द फ्रंट प्लीज, कम इन द फ्रंट, थोड़ा अलग अलग हो जाओ. कम ऑन एवरीबॉडी. जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, पुट योर फीलिंग्स इनटू इट, दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम. जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा में है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता से द वर्ड्स तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम. कम ऑन, मेक ए कंप्लीट राउंड, लेट द एनर्जी वाइब्रेट इन योर बॉडी, कम ऑन.
भगवान जिसका साथी है उसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती. कीप ऑन वाइब्रेटिंग, कीप ऑन मूविंग. विजन करो अपने गोल को, फील करो एज इफ यू हैव इट नाउ. यू आर सो हैप्पी, सो आर सो डिलाइटेड, यू आर सो एंथुजियास्टिक. साए में हम आप ही के पले, सारे की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें. इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम. अब इससे भी अभी तो मैंने सब आपको, आपने सभी अपने आप को ये क्या कह सकते हैं कि एनर्जाइज किया है. ना वो जुनून, एक ऐसी तड़प अब आपको दिखानी होगी जैसे किसी व्यक्ति को पानी में डुबाया जाए. पहली सांस को लेने के लिए जब उसके अंदर जो तड़प होती है, वो तड़प जिस दिन आपके अंदर होगी ना, तो आपके बिलीव्स अगर हैं नहीं हैं तो भी यू कैन मैनिफेस्ट योर गोल्स. यस, नेक्स्ट नेक्स्ट गीत. गोल को सामने ले आओ. हाँ यही रास्ता है तेरा, गाओ सभी. तूने अब जाना है. हाँ यही सपना है तेरा, तूने अब जाना है. बंद करो सभी. लुक एट योर गोल. यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है. हाँ यही सपना है तेरा, तूने अब जाना है. तुझे अब ये दिखाना है. That joy, that bliss, that happiness, please show. देखिए अब मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं. यूनिवर्स की सबसे, अब बैठ जाओ सभी. यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत है प्यार, लव. जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप करते हैं, इफ इट मेक्स यू फील गुड और सामने वाले को भी अच्छा महसूस कराती है, यू आर कनेक्टेड विद द हाईएस्ट पावर इन द यूनिवर्स. अभी आपने पहले तो सेशन सभी को अच्छा लगा है, ये आपके चेहरे बता रहे हैं, एवरीबडी एंजॉयड इट. लेकिन आपने आधे से कम लोगों ने, पहले सुन लेना पूरी बात, आधे से कम लोगों ने तालियां बजाई. दैट मींस यू आर, पहले अभी एक मिनट मुझे बोलने दो पूरा. आपने तालियां तो बजाई, आधों ने नहीं बजाई. दैट मींस यू डू नॉट नो हाउ टू कॉम्प्लीमेंट अदर्स. जो लोग तालियां बजाते हैं ना, वो कभी बीमार नहीं पड़ते. हम जिंदगी भर तालियां नहीं बजा सकते ना, लेकिन जहां भी मौका हो किसी को अप्रिशिएट करने का, किसी को कॉम्प्लीमेंट करने का, तो आप सबसे पहले जोर से ताली बजाओ. इतनी जोर से बजाओ कि सारे हाल में
जितने भी लोग बैठे हैं बहुत जोर से कमान कीप इट एवरीबॉडी वी आर बिग क्लैपिंग देयर आर बिग क्लैपिंग बिग क्लैपिंग बिग क्लैपिंग बस 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 आधे आधे मिनट की ताली नहीं है ये ताली के साथ जो गड़गड़ाहट ने आपके उस क्रम को आपके उस एप्रिसिएशन ने आपके उस कॉम्प्लीमेंट ने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट को लाया है दैट इज द पावर ऑफ लव तो सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार थैंक यू नमस्कार